अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बात दरअसल ये है कि आज की वीडियो असल में रिव्यू नहीं है, आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हाई स्पीड अल्फा के बारे में, क्योंकि बहुत से दोस्त इस मोटरसाइकिल को पसंद करते हैं और इसके बारे में सवाल पूछते हैं मुझसे कि ये किस कंट्री की मोटरसाइकिल है, किस मुल्क की है ये। तो यहाँ पे पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि ये इटालियन मोटरसाइकिल है, इटली की है, इटालियन टेक्नोलॉजी है, और कुछ ये भी समझते हैं कि ये इंडिया की मोटरसाइकिल है क्योंकि इंडिया में इस तरह की मोटरसाइकिलें बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन निकाली है और मैं सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा और आपको मैं बताऊँगा कि ये आपको इस वक्त खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, जो खरीदने का सोच, क्योंकि इसके पार्ट्स का भी एक इशू है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये कहाँ पे देखी है मोटरसाइकिल, किस कंट्री में देखी है, और दो नामों से ये मोटरसाइकिल और जगह पे भी है। तो अभी आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो में एंड तक देखना, आपको सब पता चल जाएगा और आपको ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, और इसकी प्राइस इस वक्त क्या हो गई है ये भी आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख लें हाई स्पीड अल्फा, हमारे यहाँ हाई स्पीड अल्फा। अभी मैं आपको इसी के जैसी मोटरसाइकिलें दो और दिखाऊंगा, सेम यही मोटरसाइकिल है दूसरे नाम से, रोड मास्टर डिलाइट 100cc और रोड बैट 100cc के नाम से, इसी के जैसी मोटरसाइकिलें दिखाता हूँ और वो कहाँ पे हैं। और अभी आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसके बारे में, ये देखें, ये रोड मास्टर डिलाइट 100cc और ये मोटरसाइकिल है बांग्लादेश में, सेम यही मोटरसाइकिल है, बिल्कुल इसी तरह की 100cc है, यही इंजन है, यही सब कुछ है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। हमारे यहाँ हाई स्पीड अल्फा 100cc और ये रोड मास्टर डिलाइट 100cc, ये है बांग्लादेश में। ये आप देख सकते हैं स्टिकर भी यही है, सब कुछ यही है, ये आप ब्लैक कलर में देख लें, यही मोटरसाइकिल है बांग्लादेश में रोड मास्टर डिलाइट 100cc के नाम से, सब कुछ यही का यही, सिर्फ नाम का फ़र्क है। और इसमें थोड़ा सा फ़र्क एक चीज़ में डाला है, वो है इसका मीटर, इसका मीटर थोड़ा सा बड़ा लगाया गया है, बाकी सब कुछ यही का यही है। और यहाँ पे ये मोटरसाइकिल है रोड मास्टर डिलाइट 100cc के नाम से, ये आप देख सकते हैं। वीडियो में क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह लगाया है, ये आप देख सकते हैं, सेम यही मोटरसाइकिल है, यही सब कुछ है, यही पार्ट्स हैं, हर चीज़ कोई फ़र्क नहीं है, स्टिकर भी यही है, ये आप देख लें रोड मास्टर डिलाइट 100cc और हमारे यहाँ पे हाई स्पीड अल्फा 100cc। ये ऊपर मीटर आप देखें तो थोड़ा सा फ़र्क मीटर में है, ये मीटर बड़ा लगा हुआ है इसके अंदर। और अब देखें आप ये रोड बैट 100cc, ये भी हूबहू यही है, सेम टू सेम यही मोटरसाइकिल है हाई स्पीड अल्फा 100cc हमारे यहाँ। और ये दोस्तों श्रीलंका और बांग्लादेश में है, और ये मोटरसाइकिल अफ़गानिस्तान में भी है, और इन्फॉर्मेशन ये है कि ये बनती यहाँ पे है और यहाँ से एक्सपोर्ट होती है अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में, और इटली का जो कह रहे हैं, इटली का नहीं पता कि ये इटली की है कि नहीं, या इटालियन टेक्नोलॉजी या सिर्फ यही है, इटली का नहीं पता कि ये इटली की है कि नहीं। तो बनती यहाँ पे है कराची में, और यहाँ से एक्सपोर्ट होती है श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान में, मगर यहाँ पे दोस्तों इसकी इन्फॉर्मेशन एक ये है कि जिस शोरूम पे ये पहले दस्तयाब थी हमारे यहाँ लाहौर में, अब यहाँ पे ये नहीं मिल रही, ये सिर्फ कराची में मिल रही है और द्राज पे मिल रही है, यहाँ पे लाहौर में इस वक्त ये नहीं है, जहाँ मैंने पहले रिव्यू किया था वहाँ पे इस वक्त नहीं है। और उस बंदे का कहना है कि अब कंपनी की तरफ से हाई स्पीड अल्फा आना बंद हो गया है और ये सिर्फ़ द्राज पे मिल रहा है और कराची में मिल रहा है,
और इसकी न्यू प्राइस दराज पे डिस्क ब्रेक वाला है जो उसकी है 1,37,500 और बगैर डिस्क 1,35,000। तो ये आप देखें हूबहू वही मोटरसाइकिल यहीं से बन के जा रही है अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। मोटरसाइकिल लुक और क्वालिटी में बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे मसला इसके अंदर यही है कि इसके एक तो पार्ट्स नहीं मिलते और दूसरा अब जो बात सुनने में आ रही है कि मोटरसाइकिल भी मार्केट से गायब हो गई है, मोटरसाइकिल भी नहीं मिल रही। ये आपको मिलेगी सिर्फ़ और सिर्फ दराज पे हाई स्पीड अल्फा हमारे यहाँ पे। और ये देख लें रोड बैट 100 cc है ये और रोड मास्टर डिलाइट 100 cc, मगर हाई स्पीड अल्फा नाम जचा है इसके ऊपर। ये रोड बैट इतना नहीं जच रहा, रोड मास्टर भी ठीक लग रहा है, लेकिन हाई स्पीड अल्फा इसके ऊपर नाम बहुत अच्छा लगा है। अब कंपनी की तरफ से क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है पता नहीं, मगर इनको मोटरसाइकिल भेजनी चाहिए और पार्ट्स भी भेजने चाहिए, मगर सुनने में आ रहा है कि नहीं आ रही कंपनी की तरफ से। ये आप देख सकते हैं हूबहू वही स्टिकर भी वही सब कुछ वही। अब ज़रा आते हैं अपनी हाई स्पीड पे। और दोस्तों पार्ट्स कंपनी से अगर कोई मंगवा सके तो शायद कंपनी से मिल जाते हैं, सुना है कि कंपनी से मिल जाते हैं, मगर मार्केट में आपको पार्ट्स नहीं मिलेंगे। जो पार्ट्स का पूछते हैं तो वो आप गूगल पे सर्च करें राजी मोटर्स और कंपनी से आप रابطہ करके मंगवा सकते हैं, मगर आपको मार्केट में कहीं पे नहीं मिलेंगे। ये देख लें हमारा हाई स्पीड अल्फा, ये मैंने पहले रिव्यू किया था एक शोरूम से लाहौर में, तो अब ये वहाँ पर भी नहीं है और उनका कहना है कि ये अब मार्केट में नहीं आ रहा, अब ये कंपनी की तरफ से आना बंद हो गया। तो मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।